पुलिस ने मर्डर के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या की वारदात करने वाले तीन आरोपियों को काबू कर लिया है। और आपको बता दें कि मैनपुरी के थाना क्षेत्र के दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम दरगाह बीते 11 मार्च को गांव का ही एक रामवीर नामक का युवक राजा बाबू को शाम के समय घर से बुलाकर ले गया था, जिसे पहले तो शराब पिलाकर उसके बाद में उसकी अपने साथियों के साथ मिलकर डंडे से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी और उसके कब्जे से 10,000 लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार हुए आरोपियों के कब्जे से 4100 बरामद किए हैं। जब तक हुए आरोपी रामवीर सुभाष चंद्र और संजू निवासी गण दरबार है के हैं। बताया जाता है कि मृतक राजा बाबू ने गांव के ही दाता राम के विरुद्ध धारा क्षेत्र का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके चलते मुकदमे में राजीवाजी के लिए उसे 1,00,000 रुपये देने की बात की गई थी। एक देने के कारण उसकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या कराई गई थी। फिलहाल हत्या को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। ये प्रकरण थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी का है, जिसमें 12 मार्च को एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान विजय कुमार उर्फ राजा बाबू के रूप में हुई थी, ग्राम दरवा। उसमें परिजनों ने एक नामजद अभियुक्त रामवीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। हमारी पुलिस टीम बहुत गंभीरता से इसको तफ्तीश कर रही थी। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ है, जिसमें नामजद अभियुक्त रामवीर के अलावा तीन और लोग प्रकाश में आए हैं, जिसमें ये एक सुपारी किलिंग का केस साबित हुआ है। एक अभियुक्त दाताराम उसी गांव का है, जिसकी पहले ही इससे रंजिश चल रही थी मृतक से, और उसने 1,00,000 रुपए की सुपारी दे करके इसकी हत्या की साजिश रची थी। और इसकी हत्या करने के लिए इसमें रामवीर, जो आपके सामने यहां पे खड़े हैं, और दो और लोगों को, सुभाष और एक और है, तीन लोगों को इस काम में लगाया था। 10,000 रुपये पेशगी के तौर पर दिए गए थे। इन 10,000 रुपये से इन लोगों ने शराब पी थी और बैठ करके शराब पीते पीते उसको ज़्यादा शराब पिला दी, उसके बाद उसी के बनियान को फाड़ करके उसका गला घोंट करके और उसके सिर पे डंडे का प्रहार करके उसको मौत के घाट इन लोगों ने उतार दिया था और लाश को छोड़कर फरार हो गए थे। हमारी पुलिस ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साथ ही साथ उस 10,000 रुपये जो किलिंग के लिए दिए गए थे, उसमें से 4,100 रुपये भी पुलिस ने बरामद किए हैं। साथ में हत्या में प्रयुक्त जो डंडा था, उसको भी पुलिस ने बरामद करके इस केस को बखूबी कनेक्ट किया है। साथ ही साथ आगे जो मेन साजिश करता है दाताराम, जिसकी पहले ही 376 के केस के मामले में रंजिश चल रही थी, उसको गिरफ्तार करने के लिए भी टीमें हमारी लगाई गई हैं। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.